खासकर शहर एवं ग्रामीण अंचलों में अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले झोला छाप डॉक्टरों की धरपकड़ के लिए खासकर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार टीम का गठन किया है, जिसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोलंकी तहसीलदार मधु नायक, थाना प्रभारी रविंद्र वालिया को खाचरो तहसील में कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नायब तहसीलदार शिवकांत पांडे, मेडिकल ऑफिसर संजय पटेल को भाट पचलाना थाना क्षेत्र में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आदेश के 10 दिन बाद मेडिकल ऑफिसर संजय पटेल ने अपने कार्य क्षेत्र के बाहर खाचरो तहसील के खाचरो थाना क्षेत्र से लगे 10 किलोमीटर दूर ग्राम मडावदा जाकर निरीक्षण कर झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की, जबकि आदेश में जो जांच दल बनाया गया उसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को खाचरोद की जिम्मेदारी तय की गई है। कार्रवाई तो हो गई, होनी भी चाहिए, लेकिन खाचरोद शहर में अवैध चिकित्सा व्यवसाय करने वाले निजी क्लिनिक संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं होना कई बातों को जन्म दे रहा है। खाचरोद शहर में चारों ओर हर गली कुची और गाँवों में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जिन पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी और प्रशासन की निगाह नहीं जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी नाम मात्र छुटपुट कार्यवाही करके अपनी खानापूर्ति में लगे हैं। वहीं बिना डिग्री डिप्लोमा एलोपैथी इलाज किया जा रहा है, इंजेक्शन बोतल से लेकर मरीज को भर्ती भी किया जा रहा है। खानापूर्ति की कार्यवाही से शहर के कई नामी गामी अवैध चिकित्सा व्यवसाय करने वाले झोला छाप चांदी काट रहे हैं। रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।